So hey everyone, welcome to my channel. It's Gayatri and you're watching Gayatri's Craft. So in this video, I'm gonna show you how to make this wedding card at home in your phone. So इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप डिजिटल कार्ड अपने फ़ोन में क्रिएट कर सकते हो बहुत ही ईजिली एंड उसको आपको कैसे फिर प्रिंट करना है और कैसे इसको एक स्लाइडर कार्ड में क्रिएट करना है, वो सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ. सो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा एंड स्टार्ट करते हैं बनाना. तो यहाँ डिज़ाइनिंग करने के लिए जो फ़ोन यूज़ कर रही हूँ, मेरे पास सैमसंग का फ़ोन है और इसके अंदर मैं 3 एप्लीकेशंस यूज़ करने वाली हूँ. फर्स्ट पिंटरेस्ट, सेकंड बैकग्राउंड इरेजर एंड थर्ड है कैनवा ऐप. ये तीनों ऐप्स मैंने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर ली थी. तो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे पिंटरेस्ट ऐप और इसके अंदर सर्च करेंगे इंडियन वेडिंग डूडल्स. सो यहाँ पर आपको बहुत सारे डूडल्स देखने को मिल जाएंगे. जो भी आपको पसंद आए आप वो डाउनलोड कर सकते हो. जिस टाइप का आपको कार्ड क्रिएट करना है, कुछ आपकी अगर पर्सनालिटी से सिमिलर है ब्राइड एंड ग्रूम के, तो आप उस टाइप का डूडल ले सकते हो. तो यहाँ पर मुझे ये वाला डूडल बहुत पसंद आया था तो मैंने इसे डाउनलोड कर लिया. सो यहाँ पर और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप कोई भी डूडल ले सकते हो. अब हम चलते हैं. अब हम यूज़ करेंगे सेकंड ऐप बैकग्राउंड इरेजर. इसके अंदर हम लोड फ़ोटो पर क्लिक करेंगे. हमने जो डाउनलोड की थी फ़ोटोज़ को हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम इसको क्रॉप भी कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर इसको क्रॉप नहीं किया है. फिर डन पर हम क्लिक कर देंगे और यहाँ पर हमको 3 ऑप्शंस मिल जाते हैं, मैनुअल, मैजिक एंड ऑटो कलर. मैं यहाँ पर ऑटो कलर चूज़ कर रही हूँ और उससे मैं ये वाइट बैकग्राउंड रिमूव कर रही हूँ. यहाँ पर हमें ब्राइड और ग्रूम की अलग अलग फ़ोटोज़ चाहिए, तो मैं यहाँ पर पहले ग्रूम को रिमूव करूँगी. यहाँ पर मैं मैजिक ऑप्शन यूज़ कर रही हूँ ग्रूम की फ़ोटो को रिमूव करने के लिए. बहुत ईजीली ये रिमूव हो जाता है. यहाँ पर कुछ ब्राइड की फ़ोटो जो रिमूव हो गई थी, मैं उसको रिपेयर ऑप्शन से रिपेयर कर रही हूँ वापस. और अब हम इसको डन करके सेव कर देंगे. यहाँ पर हम इसकी जो बॉर्डर है वो क्लीन हो जाए, उसके लिए हम फर्स्ट ऑप्शन क्लिक करेंगे और फिर उसको हम फिनिश कर देंगे और सेव कर देंगे. वापस मैं बैक आ रही हूँ क्योंकि अब हमें सिंगल ग्रूम की फ़ोटो चाहिए. तो यहाँ पर मैंने बैकग्राउंड रिमूव कर दिया फिर से और मैजिक ऑप्शन से मैं ब्राइड को रिमूव कर दूँगी यहाँ से. यहाँ पर ग्रूम की फ़ोटो हो चुकी है, मैं उसको सेव कर दूँगी. यहाँ गैलरी में हम देख सकते हैं कि एक फ़ोटो ग्रूम की और एक फ़ोटो ब्राइड की सेव हो चुकी है सेम साइज़ में. यहाँ पर मैं कैनवा ऐप यूज़ कर रही हूँ. इस ऐप के अंदर आपको बहुत सारे वेडिंग इनविटेशन के टैम्पलेट्स मिल जाएंगे. इसके अंदर हम सबसे पहले क्लिक करेंगे सर्च ऑप्शन पर. यहाँ पर हम टाइप करेंगे वेडिंग इन्विटेशंस. यहाँ पर आप देख सकते हो आपको बहुत सारे टैम्पलेट्स दिख रहे होंगे. बहुत ही प्यारे प्यारे टैम्पलेट्स हैं. कोई भी टैम्पलेट आप यूज़ कर सकते हो. कुछ पेड भी हैं और कुछ फ्री हैं. मैं यहाँ पर फ्री वाला यूज़ कर रही हूँ, पेड वाला यूज़ नहीं कर रही हूँ. आप कोई भी टैम्पलेट पर क्लिक करके उसके अंदर आपका मैटर फिल कर सकते हो और फिर उसको आप डाउनलोड कर सकते हो और उसे आप एज अ डिजिटल इन्विटेशन भी यूज़ कर सकते हो. आपको किसी को उसे शेयर करना है या फिर आपको उसकी स्टोरी लगानी है तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हो. मैं यहाँ पर 2 टैम्पलेट्स को मिक्स करके एक कार्ड बनाने वाली हूँ क्योंकि मुझे कुछ एक टैम्पलेट का मुझे डिज़ाइन पसंद आया था और दूसरे टैम्पलेट का मुझे टेक्स्ट स्टाइल पसंद आया था. तो मैं 2 टैम्पलेट्स को यूज़ करके एक इनविटेशन क्रिएट करूँगी. तो आपकी खुद की भी क्रिएटिविटी इसमें यूज़ कर सकते हो और अगर आप खुद की क्रिएटिविटी यूज़ नहीं करना चाहते हो तो यहाँ पर वैसे भी बहुत प्यारे प्यारे टैम्पलेट्स हैं. तो आप कोई भी उसे ओपन करके उसके अंदर आप आपका मैटर फिल कर दीजिए और फिर उसको डाउनलोड करके आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो. यहाँ पर ये वाला मुझे टैम्पलेट काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि जो मैंने ब्राइड एंड ग्रूम का जो फ़ोटो लिया है उसका ड्रेस का कलर और इस टैम्पलेट का कलर मुझे काफ़ी सिमिलर लगा.
तो इसलिए मैं ये वाला टेम्पलेट यूज़ कर रही हूँ। सो मुझे इसका फ्लावर्स और बैकग्राउंड बहुत अच्छा लगा, तो सिर्फ मैं वही यूज़ करने वाली हूँ उसका। ये जो सर्कल है मैं इसको साइड में ले लूँगी, क्योंकि मुझे ये फ्लावर पूरा नहीं चाहिए। और जो नीचे वाला फ्लावर मुझे अच्छा लगा मैं उसे ऊपर शिफ्ट कर दूँगी, क्योंकि मुझे ये ऊपर अच्छा लग रहा था। और जो बाकी का टेक्स्ट है मुझे नहीं चाहिए तो मैं उसको डिलीट कर दूँगी। तो हम यहाँ पर एक और स्लाइड ओपन करेंगे, और यहाँ पर मैं दूसरे फॉन्ट स्टाइल देखने की कोशिश करूँगी कि मुझे कौन सा फॉन्ट स्टाइल अच्छा लग रहा है, मैं वो फॉन्ट स्टाइल यहाँ पर डालूँगी। तो आप कोई भी टेम्पलेट यूज़ कर सकते हो, कोई भी टेम्पलेट जिसका आपको फॉन्ट स्टाइल अच्छा लग रहा है वो आप यहाँ पर ले सकते हो। चाहो तो आप एग्जैक्ट सेम भी ले सकते हो उसी डिज़ाइन का जो मैटर का टेम्पलेट होता है वही, बट मैं यहाँ पर कुछ और सर्च कर रही हूँ कि कुछ अच्छा सा मेरे को मिल जाए उस थीम के अकॉर्डिंग। बहुत सारे ऑप्शन है, लाइक सारे ही ब्यूटीफुल है, कोई भी ले सकते हो आप। तो ये वाला मुझे टेम्पलेट काफ़ी अच्छा लगा तो मैंने ये टेम्पलेट ले लिया। अब मुझे इसका सिर्फ टेक्स्ट अच्छा लग रहा है तो मैं इसका टेक्स्ट जो है उसको सेलेक्ट करूँगी। सो यहाँ पर मैं ब्राइड एंड ग्रूम के नेम मुझे मेरी उस स्लाइड पर चाहिए, तो यहाँ से मैं इनको मल्टीपल सेलेक्ट करूँगी। इनको सेलेक्ट करके मैं कॉपी ऑप्शन पर क्लिक करूँगी और जो हमारी पहली वाली स्लाइड थी उसके ऊपर जाऊँगी मैं, और यहाँ पर मैं उसे पेस्ट कर दूँगी। तो जो हमारे नेम थे एग्जैक्ट सेम साइज़ में यहाँ पर वो आ चुके हैं। यहाँ पर आप फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, एंड फॉन्ट का आपको अगर कलर पसंद नहीं आ रहा है तो आपके अकॉर्डिंग फॉन्ट्स का कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और मैं यहाँ पर ब्राइड और ग्रूम का नेम फिल नहीं कर रही हूँ, जो है टेम्पलेट में वही रख रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग इसमें ब्राइड एंड ग्रूम का नेम फिल कर सकते हैं। सो यहाँ पर हम इस डिज़ाइन की एक और डुप्लीकेट कॉपी बनाएंगे मैटर फिल करने के लिए। तो यहाँ पर मैं नीचे क्लिक करूँगी और यहाँ पर डुप्लीकेट ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो इसका एक डुप्लीकेट फ़ोटो आ जाएगी, और इस फोटो पर हम कार्ड का मैटर बनाएंगे। तो बाकी सारी चीज़ों को हम रिमूव कर देंगे, और मैंने सोचा है कि मैं साइड में फ्लावर्स देकर बीच में मैटर को रखूँगी। और मैटर की लेंथ, अगर आप स्लाइडर कार्ड बना रहे हैं तो मैटर की लेंथ थोड़ी सी छोटी होगी, और अगर आप डिजिटल कार्ड बना रहे हैं तो फिर आप पूरे पेपर के ऊपर मैटर फिल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसकी लेंथ छोटी रखूँगी। सो दूसरी स्लाइड में जो हमारा मैटर है मैं उन सबको सेलेक्ट करूँगी एक साथ। तो यहाँ पर नीचे सेलेक्ट मल्टीपल ऑप्शन दे रखा है, उसके बाद मैं कॉपी पर क्लिक करूँगी और हमारी पहली वाली स्लाइड पर जाकर हम इसे पेस्ट कर देंगे। इसे हम छोटा भी कर सकते हैं और हम इसे सेंटर में रख देंगे। ध्यान रहे हमें इसकी लेंथ थोड़ी छोटी रखनी है, क्योंकि स्लाइडर कार्ड में जो मैटर है हम वो थोड़ा सा ही फिल कर सकते हैं। सो यहाँ पर जो मैटर है मैं उसे एज इट इज़ रख रही हूँ, क्योंकि मैं टेम्पलेट बना रही हूँ। पर यहाँ आप अपना मैटर फिल कर सकते हैं, लाइक ब्राइड एंड ग्रूम का नेम, फंक्शंस का क्या टाइमिंग है, कहाँ पर है, वो सब आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। सो यहाँ पर हम फर्स्ट स्लाइड में जाकर हमारी ब्राइड एंड ग्रूम की फ़ोटोज़ को यहाँ पर ऐड करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर नीचे प्लस आइकन दे रखा है, उस पर क्लिक करेंगे। फिर गैलरी से हम फ़ोटो पर क्लिक करेंगे और वो फ़ोटो हम लोड करेंगे यहाँ पर। सो कुछ इस तरीके से हम ग्रूम की फ़ोटो को सेट करेंगे, और फिर हम ब्राइड की फ़ोटो भी ले आएंगे। सो फिर हम ग्रूम की फ़ोटो की साइज के अकॉर्डिंग ही ब्राइड की फ़ोटो की साइज़ को सेट करेंगे। कार्ड की फ्रंट फ़ोटो में हमें पहले सिर्फ ग्रूम की फ़ोटो चाहिए, मैंने ब्राइड की फ़ोटो इसलिए लिए ताकि दोनों की साइज हम बराबर रख सकें। फिर हम इसका एक डुप्लीकेट फ़ोटो बनाएंगे और यहाँ पर हम सिर्फ ब्राइड की फ़ोटो को रखेंगे और बाकी सारा मैटर हम डिलीट कर देंगे। और फर्स्ट फ़ोटो में से हम ब्राइड की फ़ोटो को हटा देंगे और अब हम इन सबको सेव कर लेंगे। सो यहाँ पर हमारी तीन डिज़ाइन सेव हो चुकी। अब हमें इसको प्रिंट कैसे करना है उसका मैं आपको बताने वाली हूँ। तो हम कैनवा ऐप वापस से ओपन करेंगे और वहाँ पर साइड में आपको नीचे एक प्लस आइकन दिखेगा, वहाँ पर क्लिक करेंगे
और यहाँ पर हमें कस्टम साइज़ पर क्लिक करना है और यहाँ पर हमें A3 साइज़ फिल करनी है। मैं फ़ोटो को A3 साइज़ पर प्रिंट करने वाली हूँ और यहाँ पर हमने जो फ़ोटोज़ सेव की थी हमारी गैलरी में वहाँ उनको यहाँ पर लेकर आएंगे। तो हम प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम गैलरी में क्लिक करेंगे। जो हमने डिज़ाइन सेव की थी वो तीनों हम यहाँ पर ले आएंगे और हम इनको सेट करेंगे। तो सबसे पहले हम जो हमारी मेन फ्रंट फ़ोटो है कार्ड की वो लेके आएंगे और उसको हम यहाँ पर सेट करेंगे। और सेम इसी की साइज़ की हम ब्राइड की फ़ोटो, दोनों की साइज़ एग्जैक्ट सेम होनी चाहिए तभी ब्राइड एंड ग्रूम की फ़ोटो सेम आएगी। तो यहाँ पर मैंने एग्जैक्ट सेम साइज़ की फ़ोटो करके नीचे मैं इसे सेट कर दूँगी। और अब हम मैटर की फ़ोटो लेकर आएंगे और मैटर की फ़ोटो जो मेन बाहर जो लिफाफा है उससे थोड़ी सी हल्की सी छोटी होनी चाहिए ताकि वो ईजीली बाहर निकल सके। तो हम इसको मेन फ़ोटो पर लेके जाएंगे और हल्का सा हम उसको छोटा करेंगे, बहुत ज़्यादा छोटा नहीं करना है। और फिर इस तरीके से हम साइड में इसको सेट कर देंगे। तो ये हमारी फ़ोटो प्रिंट के लिए तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पर इस डिज़ाइन को सेव करने के लिए ऊपर एरो दे रखा है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे और नीचे से एक स्लाइड ओपन होगी, उस पर हमें डाउनलोड पर क्लिक करना है। अब हमें इस फ़ोटो को किस फॉर्म में सेव करना है, तो यहाँ पर हम PDF सेलेक्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पर लिखा है बेस्ट फॉर प्रिंटिंग, और फिर हम डाउनलोड बटन पर क्लिक करेंगे। मैंने इसे कार्डशीट पर प्रिंट करवाया है, इसकी साइज है 12x18 और ये थोड़ी थिक शीट होती है और ये मैट फिनिश है। तो हम पहले इसे बीच में से कट कर देंगे। अब हम पीछे की तरफ इसे मोड़कर जहां इसकी बॉर्डर दिख रही है वहां पर पेंसिल से निशान लगाएंगे और इन निशानों को हम मिलाते हुए स्केल की हेल्प से लाइंस बना देंगे। और हम जैसे एनवलप बनाते हैं वैसे हम इसको बनाएंगे। सो जिस तरीके से मैंने लाइन बनाई है वैसे आप भी लाइन बना लेना। तो यहाँ पे एक्सेस पेपर को मैं कट कर रही हूँ। और फिर हम इन लाइंस को कटर की हेल्प से क्रीज करेंगे। कटर को बहुत हल्के हाथों से इसके ऊपर घुमाना है, अदरवाइज पेपर कट सकता है। तो सिर्फ हमें लाइंस को क्रीज करना है ताकि हम पेपर को इजीली फोल्ड कर सकें। और अब हम इसको फोल्ड कर लेंगे। और अब हम इस मैटर को कट करेंगे, एक्सेस पेपर को हम कट कर लेंगे। और अब हम स्केल की हेल्प से एनवलप की हाइट को मेजर करेंगे और जितनी एनवलप की हाइट है उतना ही हम मैटर की हाइट को रखेंगे, तो वहाँ पर हम मार्क करेंगे और एक्सेस पार्ट को हम कट कर देंगे। और अब हम ब्राइड की फ़ोटो को कट करेंगे। सो इस तरीके से मैंने ब्राइड की फ़ोटो को कट कर ली है। और अब हम एनवलप को खोलेंगे इस तरीके से, एनवलप पर ब्राइड की फ़ोटो को ग्रूम के पास रखेंगे और ब्राइड के सेंटर से मार्क करेंगे। और अब हम स्केल की हेल्प से जहाँ पर हमने मार्क किया था वहाँ से हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। और अब हम इसे कटर की हेल्प से कट कर देंगे लाइंस को। और अब हम इस लाइन के पास ही एक और लाइन कट करेंगे। एक्सेस पेपर को बाहर निकाल देंगे और अब हम इस एनवलप को चिपका देंगे।
और अब मैं इस पेपर को एनवलप के अंदर इंसर्ट करके देख रही हूँ। और अब हमें एक स्ट्रिप कट करनी है। ये स्ट्रिप मैंने लेफ्ट ओवर पेपर से ही कट की थी। स्ट्रिप को एक तरफ से एनवलप के अंदर डाल देंगे इस तरीके से, और उसके ऊपर हम ब्राइड की फ़ोटो को रखेंगे और पेंसिल से हम उसको मार्क करेंगे और एक्सेस पेपर को हम सीजर से कट कर देंगे। हम स्ट्रिप के बैक साइड में ग्लू लगाएंगे और इसे वापस हम एनवलप के अंदर इस तरीके से डाल देंगे तो ये एक साइड से चिपक जाएगी। और अब हम एक बार कार्ड को अंदर डाल के देखेंगे कि ये कहाँ तक अंदर जा रहा है और कितना बाहर रह रहा है। हम उसका मेज़रमेंट कर देंगे, उतना ही हम मार्क करके ये ऊपर से हम लाइन कट करेंगे ताकि ये कार्ड उतना अंदर चला जाए। और अब जो स्ट्रिप का पार्ट बाहर है उसके ऊपर हम ग्लू लगाकर उस पर ब्राइड की फ़ोटो को पेस्ट करेंगे। और इस तरीके से हमारा इनविटेशन कार्ड बनकर रेडी हो गया है। सो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।